हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का MMSE MKP चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं ठोस अवस्था। तो यूनिट नंबर फर्स्ट है हमारा सॉलिड स्टेट। इस यूनिट का पहला जो टॉपिक होगा वो है सॉलिड, यानी कि ठोस किसे कहते हैं। इस टॉपिक में हमें इतना ही पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है कि जनरल प्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, यानी ठोस अवस्था के सामान्य गुण। इसके बाद तीसरा पॉइंट या टॉपिक कह सकते हैं आप कि ठोस के प्रकार। जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा कि सॉलिड यानी कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को आप क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं इंग्लिश में, और अक्रिस्टलीय ठोस को एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आप सबको हम बता देना चाहते हैं कि क्लास 12 के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही क्लासिफिकेशन पढ़ना है, एमॉर्फस सॉलिड का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है। ये जितने भी टॉपिक्स अभी मैंने ब्रीफली डिस्कस किया है, इन सबको मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यानी इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में, यानी कि क्रिस्टल, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका के बारे में। ओके दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम क्रिस्टल किसे कहते हैं, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका किसे कहते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और हमारे इस चैनल यानी MMSE MKP को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इस वीडियो को। तो क्रिस्टल किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ और आप इसे साथ साथ लिखने की कोशिश भी करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है कि किसी निश्चित ज्यामितीय आकृति और समतलीय सतहों तथा अस्पष्ट किनारों से युक्त समांग ठोस पदार्थ को क्रिस्टल कहा जाता है। एक बार और, निश्चित ज्यामितीय आकृति, समतलीय सतहों तथा स्पष्ट किनारों से युक्त समांग ठोस पदार्थ को क्रिस्टल कहा जाता है। अब कोई पूछे कि एग्जांपल क्या होगा, तो जो भी आप लोग ठोस पदार्थ देखते हैं, जो भी क्रिस्टलाइन ठोस देखते हैं, क्रिस्टलीय ठोस देखते हैं, जैसे कि चीनी, नमक, ग्रेफाइट, हीरा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये सब के सब ऐसे सॉलिड्स हैं जिनका एक फिक्स संरचना होता है, एक निश्चित संरचना होती है, बनावट होती है, और जिसे आप क्रिस्टल नाम देते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल का डेफिनेशन आपको खुद ही लिखना होगा, मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्रिस्टल लैटिस क्या होता है वो आपको बताते हैं। जैसे कि आपको टॉपिक दिख रहा होगा कि क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल जालक का परिभाषा। त्रिविम में अनंत बिंदुओं, बिंदु से क्या सेंस है, क्या अर्थ है, वो ब्रैकेट में लिखा गया है, बट
डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिविम में अनंत बिंदुओं की नियमित व्यवस्था जिससे किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। फिर से एक बार और, त्रिविम में अनंत बिंदुओं की नियमित व्यवस्था जिससे किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। त्रिविम क्या होता है? तो आपने 2D सुना होगा, टू डायमेंशनल, यानी किसी पदार्थ के सिर्फ लेंथ और ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई की बात की जाती है तो वो 2D कहलाता है, 2D डायमेंशन या टू डायमेंशनल। ठीक वैसे ही किसी पदार्थ के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम 3 डायमेंशन यूज करते हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो वो होता है 3 डायमेंशनल, जिसको हम लोग शॉर्ट में 3D बोलते हैं, या हिंदी में बोलें तो त्रिविम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ बिंदु क्या है? तो किसी भी क्रिस्टल को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए कुछ एटम्स भाग लेते हैं, या कुछ मॉलिक्यूल्स यानी अणु भाग लेते हैं, या कुछ आयन भाग लेते हैं। तो वो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हाइलाइटेड पॉइंट्स दिख रहा होगा डार्क में, ये सभी वो पॉइंट्स हैं जिसको आपस में मर्ज करने पर कनेक्ट करने पर एक शेप आपको दिखाई देगा, क्यूब जैसा। ये जो पॉइंट्स आपस में मिले हुए हैं, वो पॉइंट्स जो है वहाँ पर परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है। आगे पढ़ते हैं कि क्रिस्टल जालक की क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, यानी कि क्रिस्टल जालक अगर हमारे पास होगा तो उसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या सूचना मिल सकता है। तो फर्स्ट होगा कि त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु जो होगा वो परमाणु या परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित करेगा। त्रिविम जालक से कन्फ्यूज आप लोग नहीं होंगे, क्योंकि क्रिस्टल जालक और त्रिविम जालक दोनों ही सेम है। क्रिस्टल जालक को ही त्रिविम जालक भी बोला जाता है। दूसरा पॉइंट है कि क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु संपूर्ण जालक के अन्य बिंदुओं के बिल्कुल एक समान होता है, उन सब में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जैसे कि इस पॉइंट्स की बात करें तो इस पॉइंट पे जो भी एटम होगा वो इस पॉइंट के एटम के बिल्कुल एक जैसा होगा, एक समान होगा, नेचर भी एक जैसा होगा, साइज भी एक जैसा होगा। इस शेप, इस क्रिस्टल को बनाने में जितना भागीदारी इस एटम का होगा उतना ही इस एटम का होगा। यह है सेकंड पॉइंट का सेंस, मतलब, ठीक है। जैसा कि दिख रहा होगा ये आपको, ये पूरा जो है, ये पूरा अगर हम इसे क्रिस्टल लैटिस मानते हैं तो इनमें जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इनको हम अवयवी कण बोल सकते हैं, जिनको आपस में मिलाने से किसी क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होता है, और क्रिस्टल लैटिस के निर्माण के बाद किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं उनका आप नाम ले सकते हैं, और उन पॉइंट, ठीक है, ये लैटिस पॉइंट्स को जब आपस में मिलाएंगे तो क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होगा, और क्रिस्टल लैटिस के बाद आपको मिलेगा कोई क्रिस्टल। अब हमें पढ़ना है यूनिट सेल, यूनिट सेल किसे कहते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें एक उदाहरण को समझना पड़ेगा, जिसके बाद हमें ये यूनिट सेल बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। जैसे किसी दीवार को बनाने के लिए एक ऐसे यूनिट, एक ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होती है जिसको बार बार रिपीट करके, मतलब दोहरा करके एक पूरे दीवार को तैयार किया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक दीवार की, अगर एक दीवार को देखा जाए तो उसमें एक ईंट ही है। मेरे आप ये ना समझेंगे कि एक ईंट से ही सिर्फ दीवार बनता है, उसके साथ साथ बहुत सारे एडिशनल पदार्थ भी होते हैं, सीमेंट, बालू और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पे सिर्फ हम ईंट को कंसिडर कर रहे हैं कि ईंट को बार बार रिपीट करके, दोहरा करके हम एक दीवार बनाते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये, इसमें
अगर इस पूरे पार्ट को इस पूरे पार्ट को यहाँ से यहाँ तक ये जो भी है इसको हम दीवार मान रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए, ठीक है, इसको बनाने के लिए ऐसे ईंट जो है उनको बार बार रिपीट किया गया है तो एक दीवार बना, ठीक है। यानी कि दीवार को बनाने के लिए एक ऐसे यूनिट को बार बार रिपीट करना पड़ा है, जिसके बाद ऐसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ऐसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये दिखाई जैसा दे रहा है वो आपका क्रिस्टल लैटिस हुआ, और ये किसकी वजह से दिखाई दे रहा है, तो ईंट के रिपीटेशन के वजह से, यानी ईंट को दोहराने की वजह से ऐसा ये दिखाई दे रहा है। तो ईंट हो जाएगा आपका दीवार के लिए यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल वही चीज़ है जिसको बार बार रिपीट करने से किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है। ये ठीक वैसे ही आप समझ सकते हैं एक दूसरे एग्जांपल से, कि आप कोशिका पढ़े हैं बायोलॉजी में कि कोशिका क्या होती है, तो आपको पता है कि कोशिका जो है वो हमारे शरीर के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है, यानी उसी से हमारे शरीर का निर्माण होता है। सबसे पहले कोशिका आपस में मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है। ऐसे ही यूनिट सेल जो है वो किसी भी क्रिस्टल का एक सबसे बेसिक यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट, जिसको रिपीट करके आप क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे, और क्रिस्टल लैटिस बनाने के बाद कोई क्रिस्टल आपको मिलेगा, ठीक है। तो यूनिट सेल का डेफिनेशन देखते हैं। क्रिस्टल जालक का वह छोटा सा पार्ट जिसके पुनरावृत्ति यानी दोहराने से किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे एकक कोष्ठिका या आप कह सकते हैं इकाई सेल, ठीक है। आप देख भी सकते हैं कि ये आपका एक यूनिट सेल होता है जिसको बार बार रिपीट करने से, जैसे कि आप ईंट देखे थे उसको बार बार रिपीट करने से एक वॉल बनता है, तो ऐसे ही एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल को बार बार रिपीट करने से क्रिस्टल लैटिस और उसके बाद क्रिस्टल का निर्माण होता है। ये जो हाइलाइटेड दिखाई दे रहा है डार्क पॉइंट, वो कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ए से बी तक, पॉइंट ए और पॉइंट बी जिसको लैटिस पॉइंट बोला जाता है, इनको जब मिलाएंगे तो एक एज मिलेगा, तो ए बी जो होता है एज उसको बोलते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं कि जो एंगल बनाया गया है वो दो एज के बीच का एंगल है, ठीक है, दो ए बी और बी सी के बीच का एंगल है, तो इस एंगल का नाम होता है एज एंगल। और जो ए से बी के बीच का डिस्टेंस है, लंबाई है, दूरी है, उसको आप बोल सकते हैं एज लेंथ या एज डिस्टेंस, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एज लेंथ या एज डिस्टेंस बोल सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि किसी एक का कोष्ठिका यानी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसमें एज लेंथ या फिर एज कितने होंगे, कि आपको बताना है एज कितने हैं, ठीक है। ये नोट आप याद रखोगे कि कोई भी यूनिट सेल है, कोई भी एकक कोष्ठिका है, उसके कॉर्नर, उसके बॉडी तथा सेंटर यानी केंद्र में अवयवी कण उपस्थित रहते हैं। क्या होता है कि किसी भी एकक कोष्ठिका के कॉर्नर, बॉडी तथा सेंटर में अवयवी कण उपस्थित रहते हैं, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकक कोष्ठिका के कुल कितने पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स अभी हम समझेंगे कि क्या होते हैं, तो आंसर आपका होना चाहिए कि 6 पैरामीटर्स होते हैं। कितने होते हैं, 6। आइए समझते हैं, ये आपको दिख रहा होगा
फर्स्ट यूनिट सेल है, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, फिर भी आप एडजस्ट कर लेंगे, समझ लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इस यूनिट सेल को आपस मिलाएंगे तो क्रिस्टल लैटिस, और क्रिस्टल लैटिस के बाद क्रिस्टल बनता है। और मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल लैटिस जो है वो बना होता है एटम्स के आपस में मिलने से, यानी परमाणुओं के आपस में मिलने से। और कैसे मिलने से, तो एक निश्चित व्यवस्था में रहते हैं, मिलते हैं, तो क्रिस्टल लैटिस बनता है। लेकिन किस में, 3D या 2D में, यानी थ्री बीम में, यानी कि 3D में कि 2D में, तो आंसर होगा 3D में। वही यहाँ पे दिखाया गया है कि जो X अक्ष है, Y अक्ष है और Z अक्ष है। तो अगर हम A साइड की बात करें, जिस पे A लिखा गया है, वो X एक्सिस पर है, B Y एक्सिस पर है और C Z एक्सिस पर है, यानी Z अक्ष पर है। तो ये जो लंबाई आप लोग मापेंगे किसी भी यूनिट सेल के दो पॉइंट्स के बीच, जो लंबाई मापेंगे वो किसी एक्सिस पर ही होता है। किस पर होता है, वो किसी एक्सिस पर ही होता है, या तो एक्स एक्सिस पर होगा, या वाई एक्सिस पर होगा, या जेड एक्सिस पर होगा। इसलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी यूनिट सेल का एक्सियल लेंथ बताइए, अक्षीय लंबाई, तो आपका आंसर होगा कि अगर एक्स अक्ष की बात करें, इस डायग्राम से, इस फिगर से देखकर हम बता सकते हैं कि एक्स अक्ष जो है उसमें लंबाई A है, वाई अक्ष में लंबाई B और जेड अक्ष में लंबाई C। इस तरह से एक्सियल लेंथ की बात करें तो वो टोटल हो गया 3। एक्सियल लेंथ कितने हो गए, 3 हो गए। आगे देखते हैं एंगल। एंगल की बात करें तो आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं, मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा गामा माना है, ठीक है। तो इसी के हेल्प से यहाँ पे एंगल यानी कोण फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब अगर पूछा जाता है आपसे कि ए और बी के बीच का एंगल बताइए, ठीक है, आते हैं देखते हैं यहाँ पे क्या है। ए और बी के बीच का एंगल, तो आप बताओ इसे देख करके कि ए और बी ये जो है इसके बीच कौन गायब है, देखते हैं अगर हम इसको ऐसे रिलेट कर पाए। अगर हम ऐसे रिलेट करें, ए अल्फा होगा, बी बीटा होगा, सी गामा होगा, तो ए बी के बीच पूछा जाए एंगल, तो देखना है कि अल्फा और बीटा तो है बट कौन नहीं है, तो गामा नहीं है। बी और सी के बीच में पूछा जाए तो बीटा एंड गामा, अल्फा नहीं है। ए सी के बीच में पूछा जाएगा तो कौन कौन है, ए सी के बीच में कौन है, तो आपका आंसर होगा कि अल्फा है, गामा है, बीटा नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। और ए बी के बीच पूछा जाए तो ये तो दोनों है, कौन नहीं है, तो ये थर्ड वाला नहीं है, तो ये उसके बीच का एंगल हो जाएगा, ठीक है। आइए इसी के हेल्प से बताते हैं। आप चाहें तो इन सबका स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। एंगल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि ए बी के बीच का एंगल, तो जैसे मैंने पहले बताया था क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, थर्ड वाला है यहाँ पे। बी सी यानी कि ये सेकेंड एंड थर्ड के बीच, ये तो दोनों हैं, अल्फा नहीं है, तो अल्फा रहेगा, देखिए अल्फा होगा, ठीक है। ए सी के बीच का एंगल क्या होगा, बीटा होना चाहिए। ए सी के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, बीटा, क्योंकि यही तो नहीं है, ये हो गया, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं इस फिगर को, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा कि किसी भी यूनिट सेल के कुल पैरामीटर्स कितने होते हैं, तो आंसर होगा 6, 3 एक्सियल लेंथ और 3 एक्सियल एंगल, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है। ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये जो हम लोग अभी पैरामीटर्स देखे हैं, ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ये जो है क्वेश्चन अराइज होता है अगर हमें दीवार बनाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमें दीवार बनाना होगा तो क्या हम लोग
जो ईंट यूज करते हैं उसके डायमेंशन को चेंज करके अलग अलग दीवार बनाया जा सकता है? आंसर होगा यस। यानी अगर ईंट के डायमेंशन को चेंज कर दिया जाए, उसके लंबाई चौड़ाई मोटाई को चेंज कर दिया जाए, थिकनेस जो होता है, तो दीवार भी अलग अलग तरह का बन सकता है। यानी कि ईंट के डायमेंशन को चेंज करेंगे, ईंट के पैरामीटर्स को चेंज करेंगे, तो दीवार भी अलग तरह का बना हुआ आपको मिलेगा। ठीक वैसे ही अगर यूनिट सेल के पैरामीटर्स यानी कि एज लेंथ, एक्सियल लेंथ जो है, एक्सियल एंगल है, इनके बीच कुछ बदलाव किया जाए तो आपको क्रिस्टल भी अलग अलग मिलेगा। तो उसी आधार पर यानी कि पैरामीटर्स को चेंज किया जा रहा है, तो उसके आधार पर हमें कौन कौन सा क्रिस्टल मिल सकता है वो हमें देखना है। तो आप याद रखोगे कि क्रिस्टल सिस्टम की जो संख्या है वो आपके पास 7 है। कितने हैं? 7। यानी कि इन पैरामीटर्स में आप कुछ भी बदलाव करोगे तो 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम मिलेंगे। आगे भी आपको एक टॉपिक मिलेगा ब्रेवियस लैटिस, तो वो यहाँ पे डिस्कस नहीं है क्योंकि ब्रेवियस लैटिस की संख्या 14 होती है। ठीक है, तो अभी हमें नहीं पढ़ना, आगे हम आपको बताएंगे। तो क्रिस्टल लैटिस पढ़ चुके हैं, क्रिस्टल सिस्टम हमें जानना है। तो ये जो आपको दिख रहा है टेबल, ये आपको बनाना होगा और इस टेबल को आप बनाकर स्क्रीनशॉट ले लें पहले, और उसके बाद अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। ठीक है, इन सबका हिंदी भी हम बताएंगे कि क्यूबिक किसे बोलते हैं, टेट्रागोनल क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक क्या होता है, हेक्सागोनल क्या होता है, रोम्बोहेड्रल क्या होता है, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो ये आप जो टेबल देख रहे हैं ये आप नोट कर लें। ठीक है, और इस टेबल के बारे में और ज़्यादा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और खुद इस चैनल को सब्सक्राइब करें यानी कि MMSEMKPIC चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।